ऑनलाइन स्टडीज कैसे यकीन जो जो मुकम्मल कर लिया होगा तो आज हम सोशल स्टडीज क्लास वन यूनिट वन के मी एंड माय वर्ल्ड से लेसन नंबर टू जो है वो रीड करेंगे एंड द टाइटल ऑफ द लेसन टू इज माई स्कूल यानी मेरा स्कूल जी आपका कौन सा स्कूल है बिल्कुल साइंस बेस्ड स्कूल तो आइए रीडिंग ऑफ द लेसन स्टार्ट करते हैं माई स्कूल हसन एंड जारा वॉन्ट टू टेल देयर फ्रेंड्स अबाउट देयर स्कूल हसन और जारा अपने दोस्तों को अपने स्कूल के बारे में बताना चाहते हैं हम भी तो अपने स्कूल के बारे में बातें करते हैं ना कि हमारा स्कूल इस तरह का है इतना बड़ा है इसमें प्लेग्राउंड है इसका क्लासरूम ऐसा है हमारी टीचर इस तरह की है हमारी स्टडी जो है वो बहुत अच्छी होती है तो आप भी तो अपने स्कूल के बारे में बातें करते हैं ना अपने दोस्तों से तो हसन एंड जारा वॉन्ट टू टेल देयर फ्रेंड्स अबाउट देयर स्कूल हसन और जारा अपने दोस्तों को अपने स्कूल के बारे में बताना चाहते हैं कहते हैं दिस इज आवर स्कूल ये जो पिक्चर है ये हसन और जारा के स्कूल की है सी वट वी डू देयर देखिए हम वहां क्या करते हैं हसन एंड जारा कह रहे हैं कि हम स्कूल में क्या करते हैं आइए देखते हैं जी चलते हैं देखते हैं क्या करते हैं वो वी एंटर द स्कूल बाय द गेट हम स्कूल में दाखिल होते हैं गेट से जी ये मेन गेट है जैसा आपके स्कूल में भी है तो मेन गेट से स्कूल में वो दाखिल होते हैं वी एंटर द स्कूल बाय द गेट आवर असेंबली इज हेल्ड इन द स्कूल प्ले ग्राउंड जी बिल्कुल ये प्ले ग्राउंड नजर आ रहा है और असेंबली हो रही है आप भी अपने स्कूल की प्ले ग्राउंड यानी बड़ी ग्राउंड में असेंबली के लिए इकट्ठे होते हैं तो हसन और जारा कह रहे हैं आर असेंबली इज हेल्ड इन द स्कूल प्ले ग्राउंड वी हैव आर लेसन इन द क्लास रूम यू कैन सी द क्लास रूम जहां पर टीचर हैं स्टूडेंट्स बैठे हुए अपना लेसन पढ़ रहे हैं तो हसनन ज़ारा क्या कह रहे हैं वी हैव आवर लेसंस इन द क्लासरूम हम क्लासरूम में अपने लेसंस जो है वो पढ़ते हैं वी ईट आवर लंच एट ब्रेक टाइम हम ब्रेक टाइम में अपना लंच खाते हैं बिल्कुल हम भी तो मजे-मजे का लंच लेके आते हैं ना स्कूल में मामा बना के देती हैं और कभी लंच ना लाएं तो कहाँ से परचेजिंग करते हैं जी बिल्कुल कैंटीन से हम मजे मजे की चीजें लेते हैं ये देखिए हसन और जारा के स्कूल में भी एक कैंटीन है सो so, कह रहे हैं वी ईट आवर लंच एट ब्रेक टाइम वी प्ले इन द प्ले ग्राउंड विद आवर फ्रेंड्स हम प्ले ग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं जी ये प्ले ग्राउंड में हसन और जारा अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं आप भी तो खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ प्ले में और टीचर जो है गेम टीचर आपको मजे मजे की गेम्स खेलाते हैं सो so, हसन और जारा भी कह रहे हैं वी प्ले इन द्ले ग्राउंड विद आवर फ्रेंड्स वी रीड बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी हम स्कूल की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ते हैं जी ये लाइब्रेरी नजर आ रही है और ये हसन और जारा जो है वो रीडिंग कर रहे हैं बुक्स की आप भी स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं ना लाइब्रेरी पीरियड में टीचर्स आपको पढ़ाती हैं सो so, हसन और जारा क्या कह रहे हैं वी रीड बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी वी पेंट पिक्चर्स इन द आर्ट रूम हम आर्ट रूम में तस्वीरें जो है वो पेंट करते हैं यानी बनाते हैं कलर करते हैं आप उनका आर्ट रूम देख सकते हैं जिस तरह आप एक्टिविटी रूम में एक्टिविटीज करते हैं और टीचर के साथ मिलके ड्राइंग करते हैं हसन और जारा भी कह रहे हैं वी पेंट पिक्चर्स इन द आर्ट रूम जी अब लेसन हमने रीड कर लिया उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके पास एक एक्टिविटी है प्यारी सी ड्रॉ लाइंस टू मैच द सेंटेंसेस विद द करेक्ट पिक्चर यहां पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और उनके सामने कुछ पिक्चर्स हैं जो आपने उनके साथ मैच करनी है तो आइए पहले हम रीडिंग करते हैं सेंटेंसेस की ए वी पेंट पिक्चर्स इन द आर्ट रूम बी आर असेंबली इज हेल्ड इन द प्ले ग्राउंड सी वी रीड बुक्स इन द लाइब्रेरी डी वी हैव आर लेसन इन द क्लास रूम ई वी ईट आर लंच एट ब्रेक टाइम अब हम बारी बारी इन सेंटेंसेस को उनकी रिलेटेड पिक्चर्स के साथ मैच करेंगे ए वी पेंट पिक्चर्स इन द आर्ट रूम हम आर्ट रूम में पिक्चर्स पेंट करते हैं तो आइए देखते हैं आर्ट रूम की पिक्चर है? जी दिस वन थर्ड वन पिक्चर जो है वो आर्ट रूम की है सो मैच द फर्स्ट सेंटेंस विद द थर्ड पिक्चर तो ये आपकी मैचिंग कंप्लीट हो जाएगी कि वी पेंट पिक्चर्स इन द आर्ट रूम बी असेंबली इज हेल्थ इन द प्ले ग्राउंड हमारी असेंबली प्ले ग्राउंड में होती है जी तो हम प्ले ग्राउंड तलाश करते हैं जहां पर असेंबली हो रही है जी द लास्ट पिक्चर इज द असेंबली पिक्चर सो हम कहां पे मैच करेंगे बी को बी वाले सेंटेंस को हम लास्ट वाली पिक्चर के साथ इस तरह से मैच कर देंगे सी वी रीड बुक्स इन द लाइब्रेरी हम लाइब्रेरी में किताबें पढ़ते हैं तो आइए लाइब्रेरी देखते हैं जी बिल्कुल फर्स्ट वन पिक्चर जो है वो लाइब्रेरी की है सो मैच द सी पार्ट वी रीड बुक्स इन द लाइब्रेरी विद फर्स्ट वन पिक्चर डी वी हैव इन क्लास रूम हम क्लास रूम में अपने लेसन पढ़ते हैं तो आइए देखते हैं क्लास रूम की पिक्चर कौन सी है जी सेकेंड वन पिक्चर जो है वो क्लास रूम की है तो डी पार्ट जो है वी हैव आर लेसन इन द क्लास रूम हम मैच करेंगे सेकेंड पिक्चर के साथ ई e पार्ट We eat our lunch at break time. हम ब्रेक टाइम में अपना लंच जो है यानी दोपहर को जो कुछ खाना होता है वो हम खाते हैं सो so, इसकी रिलेटेड पिक्चर देखते हैं जी सब पिक्चर ऑफ कैंटीन इज हेयर सो हमने मैच करना है ई सेंटेंस वी ईट लंच एट ब्रेक टाइम विद द पिक्चर ऑफ कंटीन यानी फोर्थ वन पिक्चर के साथ उसको मैच करेंगे इस तरह से आपने अपनी बुक पे ये मैचिंग कंप्लीट करनी है और इसे अच्छी तरह से लर्न करना है आइए अब इस लेसन से रिलेटेड वर्ड्स मीनिंग्स पढ़ लेते हैं एंटर दाखिल होना एंटर दाखिल होना गेट दरवाजा गेट दरवाजा गेट दरवाजा हेल्ट मुनद होना हेल्ट मुनक्द होना प्ले ग्राउंड खेल का मैदान प्ले ग्राउंड खेल का मैदान लंच दोपहर का खाना लंच दोपहर का खाना सो रीड वर्ड्स मीनिंग्स एंड लर्न दम वेल नाउ आंसर क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन क्वेश्चन नंबर टू वट इज द नेम ऑफ योर स्कूल आपके स्कूल का क्या नाम है जी बताइए क्या नाम है बिल्कुल ठीक साइंस वेस्ट स्कूल साइंस वेस्ट स्कूल क्वेश्चन नंबर थ्री असेंबली कहां होती है प्ले ग्राउंड इन द प्ले ग्राउंड क्वेश्चन नंबर फोर वाई डू यू कम टू स्कूल आप स्कूल क्यों आते हैं जी जी पढ़ने लिखने आते हैं बिल्कुल ठीक आंसर है आई कम टू स्कूल फॉर स्टडीज आई कम टू स्कूल फॉर स्टडीज सो लर्न दीज क्वेश्चन एंड आंसर्स